हेलो फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर कंप्लीट किया था, उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था इस प्रोग्राम में ये था कि ये हमारा जो एलईडी बल्ब्स है ये 2 सेकंड्स के लिए यहाँ पे ये ऑन हो रहा, ऑफ हो रहा, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पे 2000 था, यानी कि ये 2 सेकंड, इसको हम यहाँ पे 500 कर दिया, तो ये हो गया यानी कि आधा सेकंड, ठीक है, जिससे थोड़ा हमारा जल्दी जल्दी काम हो। अब यहाँ पे देखें, आप देखेंगे तो ये लाइट आपको जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होते दिखाई देगी, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे जहां लिखा था इंटीजर एलईडी इक्वल टू 13, मैंने यहाँ पे जगह कर दिया 6। तो आप देखेंगे अब यहाँ पे जो 6 वाला पिन है उसके ऊपर यहाँ पे एलईडी बल्ब ऑन ऑफ होना चाहिए, पर यहाँ तो एलईडी बल्ब है नहीं, तो इसके लिए हमें एक अलग से एलईडी बल्ब लगाना होता। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने प्लस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एलईडी बल्ब पे क्लिक किया, ये इस तरह से यहाँ पे एलईडी बल्ब आ गया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड लिखा है ना, ये ग्राउंड, तो इसको हमें ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर हम इसको ऐसे लेके गए और यहाँ पर हम इसे करेंगे कैथोड से कनेक्ट, कैथोड से हम ग्राउंड को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे इसको पिन करना है 6 नंबर से, लेकिन हम उसके लिए पहले बीच में रेजिस्टर लगाना होता, तो हमने प्लस पे क्लिक किया और यहाँ पे रेजिस्टर पे क्लिक किया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया दोबारा, और यहाँ से हम इसे कर सकते हैं रोटेट, और यहां से हमने इसको किया ओम, इसकी यूनिट्स को चेंज और इसकी वैल्यू को 200। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो ये एलईडी बल्ब होता है इसके लिए 200 ओम का रेजिस्टर लगता है। अब इसको हमने उठा के हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब यहाँ पर हम इस पे क्लिक करके इसको मिला दिया, और इसको हमने 6 लिखा था ना, तो यहाँ 6 वाले पिन से हमने इसको से कनेक्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको चेक करते हैं। तो आपने देखा अभी हमारा एलईडी बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको फ्रेंड्स स्टॉप करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और भी बल्ब लगाते हैं 2-3, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको पहले भी यहां से डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा इधर रखा पे इस जगह, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे प्लस पे क्लिक किया, और फिर यहाँ पे आपका एक एलईडी बल्ब और ले लिया हमने, फिर यहाँ पे प्लस किया और एक एलईडी बल्ब और ले लिया, हमने 3 ले लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद हम इनके चार कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको हमने कर दिया येलो और उसको हमने कर दिया ग्रीन। अब जितने हमारे फ्रेंड्स एलईडी बल्ब है उतने हमारे रेजिस्टर होंगे, पहले हम इनको रेजिस्टर भी ले लेते हैं। प्लस पे क्लिक किया, ये रहा, इस पे हमने क्लिक किया, इसको हमने यहाँ पे रोटेट किया, यहां से ओम और 200। ओके फ्रेंड्स, इसको उठा के हमने यहाँ पे ड्रैग करके रख लिया। फिर दोबारा हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे रेजिस्टर पे क्लिक किया, रोटेट, ओम और 200। फिर से दोबारा प्लस पे क्लिक किया, रेजिस्टर पे क्लिक, फिर यहां पे क्लिक, रोटेट, ओम और 200 यूनिट्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम इनको हम कनेक्ट भी करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे ग्राउंड पे क्लिक किया, एक बार मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक, ये से कनेक्ट हो चुका। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक, और इधर मैं इसको जाके इस वाले तीनों को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब आप हम यहाँ पे हम एक तो कर लेते हैं आपका 2 वाले पिन से इसको कनेक्ट, ये यहाँ पे कनेक्ट और ये इससे कनेक्ट हो गया। इसको एक को हमने कर दिया मान लो 6 वाले पिन से कनेक्ट, यहाँ पर क्लिक, ये आपका, फिर यहाँ पे क्लिक, इसको ये ऐसे, और एक को हम कर लेते हैं सपोज 12 से, यहाँ पे क्लिक, ये इससे और ये इससे, ये हमारे कनेक्शन तो पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमें कोडिंग भी चेंज करनी होगी। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे इसे क्या कर दिया एलईडी 1, ठीक है, उसके बाद इंटीजर एलईडी 2, यहां पर एक तो हमने किया था आपका 2 पर, और इसे 6, और इंटीजर एलईडी इजगल टू आपका 3 इजगल टू 12, मतलब जिस पिन पे भी आप रखना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पे ऑप्शन सेट किया पिन मोड एलईडी 2, आउटपुट, और यहाँ पर हम एलईडी 1 कर देते हैं। फिर यहाँ पे पिन मोड एलईडी 3, आउटपुट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पे हमें इसी को हम, ये यहाँ पे आपका एलईडी 1 है और ये एलईडी 1, अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा।
और यहां पे हमें चेंज करना होगा, यहां पर मैंने कर दिया एलईडी 2 और एलईडी 3। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, पहले तो यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3। यहाँ पे हमने पिन नंबर सेट कर दिया, एक हमारा यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, फिर 6 पे 12 पे, वो नंबर इन हम यहाँ पे सेटअप में सेट किया कि किस पिन पे हमें आउटपुट चाहिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखा एलईडी 1 हाई और लो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पहले लाइट ऑन होगी ऑफ होगी, फिर ये वाली ऑन होगी ऑफ, फिर ये ऑन ये ऑफ। चलिए इसे प्ले से चेक करते हैं। यहाँ पर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आकस्ते से ऑन हुआ, अब ये ऑन हुआ, अब ये ऑन हुआ। तो ऐसे काम कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपको स्टूडेंट ट्रैफिक लाइट का भी प्रोग्राम इस तरीके से बनता है कि पहले आपका रेड और फिर येलो और फिर ग्रीन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप इस प्रोग्राम को नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस वाले प्रोग्राम का एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। तो देखिये यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज ऑन पिन नंबर 2A12 एंड ब्लिंक ऑल्टरनेटली एट द डिले ऑफ 1 सेकंड। तो हमने स्टूडेंट्स यहां पर यही किया है, पर बस हमने यहां पे पिन लगा दिए 2612, वो तो आप यहां से उठा के इसे 8 पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे हमने हाफ सेकंड रखा था, आप यहां पे 1000 रखेंगे तो 1 सेकंड जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इस प्रोग्राम को नोट करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें आपको एक बात और बताता हूं, जैसे अभी हमने यहां पे इस तरह से एलईडी बल्ब लगाए हैं, आप चाहे तो यहाँ पर एक ब्रेड बोर्ड होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, तो उसका यूज मैं आपको अगले प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।